जी हाँ भाई और बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल चौपाटी पर। मेरा नाम है पम्मी और आज हम एक बार फिर से मौजूद हैं अपनी प्यारी दुबई सिटी के अंदर। और आज की जॉब्स एकदम सिंपल है, हमें करनी है सफाई और लॉगी को करनी है क्राफ्टिंग। चीफ ने लॉगी को बोल कर रखा है कि लॉगी तू आज बनाएगा चीफ के लिए एक प्राइवेट प्लेन, जो कि वो प्राइवेट प्लेन यूज करेगा एक दूसरे शहर के अंदर जाने के लिए। वैसे चीफ के हाथ भी बहुत लंबे हो रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहा है कभी वहां पर कभी यहां पर। भाई साहब बहुत मजे ले रहे हैं आजकल ये जिंदगी के चीफ। और अभी मेरे को लॉगी को देखना कि वो आखिरकार कर क्या रहा है। तो जो जॉब चीफ ने बोल कर रखी थी वो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है? ओके, अगर गाइस मैं दूर से देखूं तो लॉगी एक्चुअली कुछ ना कुछ कर रहा है, जो कि ऑब्वियसली बहुत अनजान चीज है मेरे लिए। लॉगी को जो काम दो वो कभी टाइम पर करता भी नहीं है। हां बोल, डरा दिया यार, मुझे लगा यहां पर ऑगी आ चुके। ये ब्लू वाला आर्मर पहले उतारो यार, ये मेरा अपना पर्सनल आर्मर, ठीक है? मैंने बहुत मेहनत से बना के रखा है, डायमंड खोज के रखे। तेरे को पता डायमंड खोजना माइनक्राफ्ट के अंदर कितना खतरनाक हो चुका है भाई मेरे लिए। देखो भाई, मैंने एक प्लेन ऑलरेडी क्राफ्ट कर दिया। जाने दे, हां मुझे टेस्टिंग करने चल। चीफ ने मेरे को बोल कर रखा है कि लॉगी ने जो प्लेन क्राफ्ट किया सबसे पहले मेरे को टेस्ट करना है और देखना है, क्योंकि लास्ट टाइम लॉगी ने जो प्लेन क्राफ्ट किया था वो चढ़ते सारी गिर गया वहां पर। ओके नाइस, हो गया ना भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है। एक काम कर लॉगी, वहां से मुंह इधर हो गया, एक मिनट मैं पहले इसको फिक्स कर देता हूं। उठा के मत करा कर यार, ये नीचे से गियर बॉक्स चेक करने की आदत छोड़ दे। ओके लॉगी बात सुन, वहां से येलो वाले फ्लावर लेके आ और इस प्लेन का रंग पीला कर दे, ठीक है ना? और अभी मैं पिरामिड की सफाई करने जा रहा हूं। हां सही है सही है, मैं जाता हूं। चीफ मेरे को हमेशा सफाई वाले काम के ऊपर रखता है। तो चलिए गाइस, अभी हम चलते हैं पिरामिड के पास, क्योंकि बहुत टाइम से मैं पिरामिड के पास नहीं गया। और चीफ ने बोला कि पिरामिड की लुकआफ्टर भी करनी है, मेंटेन भी करना है, और वहां पर सफाई भी करनी है, और वहां पर जो टॉर्चेस लगी हुई है रेस्ट रूम की टॉर्चेस वो भी रिप्लेस करनी है, क्योंकि वो किसी भी टाइम बुझ सकती है, बहुत पुरानी हो चुकी है यार वो। तो ये रहा वो पिरामिड। अब ऑब्वियसली मैं आगे जाने से पहले एक एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल खा के जाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि अंदर मेरे लिए क्या वेट कर रहा है। और मैं साथ में गाइस बोट भी लेके आया हूं, तो बोट के अंदर बैठते ही सीधा पानी 2 सेकंड के अंदर क्रॉस करते ही यहाँ पर आ चुके हैं पिरामिड के अंदर। और एक टॉर्च यहाँ से भी तोड़ो, उसको भी रिप्लेस करो, और एक टॉर्च यहाँ से भी तोड़ो, मतलब कि हर एक कोने के ऊपर एक एक टॉर्च लगी हुई है, और वो सारी टॉर्चे तोड़ के हमें यहाँ पर रिप्लेस करने। और एक टॉर्च बिल्कुल छत के ऊपर, इसको भी तोड़ के रिप्लेस। पिरामिड के आसपास गाइस कभी मंडराना ही नहीं है, इसको भी यहाँ पे पानी के अंदर फेंक दो। तो लीजिए गाइस, हमारी पूरी जॉब एकदम से सेट हो चुकी है। यो ये यहाँ पर डायमंड्स पड़े हुए हैं, पूरा यो फ्री के डायमंड्स मेरे को यहाँ पर मिल रहे हैं यार, एकदम बढ़िया। वो ओके, ये कैसा पानी है, मतलब कि ये पानी का रंग अजीब लग रहा है। तो ये है गाइस नॉर्मल पानी, और ये है एक अजीब पानी, और साथ में कितने सारे डायमंड के ब्लॉक भी हमें पड़े हुए हैं। पिकैक्स लेके नहीं आया मैन, होली मोली, मैं पिकैक्स कैसे लेके नहीं आ सकता इतनी खतरनाक वाली जगह के ऊपर। और गाइस अभी मैं आ चुका हूं, तो काम करता हूं, थोड़ा बहुत गन यहां पे फेंक देता हूं, इसको ही फेंको। कितनी सारी चीजें फालतू की, ये सारी फालतू की चीज। यो हे ये हेलो, ये मेरे को डायमंड पानी के अंदर से कैसे मिल रहे हैं? यो क्या ये मेरे इन्वर्टर में ग्लिच हो रहा है, जो क्या एक्चुअली कुछ हो रहा है? तो गाइस मैंने भी नोटिस किया कि जब मैंने इसके अंदर कुछ फेंका तो इस पानी ने मेरे को डायमंड दिए, वो आज ये कैसे हो सकता है? लेकिन मेरे को ये बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। तो अगर मैं यहाँ पर ये कच्चे फेंकू, अरे भाई मेरे को लिटरली डायमंड मिल रहा है यहाँ पर, ओ माय गॉड। ए गाय 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 इधर आइए, मेरे को तो जो पानी के अंदर फेंकना, गाय कम ऑन यार, मेरे पास स्वीट भी नहीं है, कम ऑन प्लीज इधर आना, इधर मैं तेरे को कुछ नहीं हूँ, तेरे को पानी के अंदर फेंकना, मुझे देखना कि अगर मैं गाय को पानी के अंदर फेंकूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को। मुझे तेरे ऊपर टेस्टिंग करनी है, मुझे देखना कि अगर मैं ये चिकन को पानी के अंदर फेंकूंगा तो क्या। अंदर जा, ओ माय गॉड ये चिकन पूरा ब्लॉक बन चुका है यहाँ पर, और साथ में चिकन भी और साथ में डायमंड भी। ओके तो गाइस मुझे पानी के अंदर जाना नहीं है, क्योंकि अगर मैं पानी के अंदर जाऊंगा तो मैं शायद यहाँ पर डायमंड बन सकता हूँ, और मुझे डायमंड बनने का कोई भी शौक नहीं है। और यहाँ पर गाइस मेरे को 3 डायमंड के ब्लॉक मिल चुके हैं, नाइस। अगर मैं ये फालतू की चीजें फेंकू तो, और लिटरली ये काम कर रहा है, तो कुछ भी फेंकू तो मेरे को डायमंड मिल रहा है, और सारे डायमंड पानी के अंदर जा रहे हो इस वाले पूल के साथ। तो गाइस हम एकदम से रात रात माला माल हो जाएंगे। तो ये वुड यहाँ पर मेरे को रखनी है, 44 वुड मेरे पास आ चुकी है, तो सारी फेंको पानी के अंदर, लेट्स गो। क्या बात है बेटे, लिटरली 15 सेकंड के अंदर ओहो मेरी पूरी इन्वेंटरी एकदम से भर चुकी है। और अभी जाके मैं दिखाता हूँ लॉगी को डायमंड्स की ताकत। हेलो लॉगी, कैसे है? हेलो हेलो, कैसे हो भाई? तेरे पास घटिया वाले कपड़े कहाँ से आ चुके हैं? ओ भाई ये घटिया कपड़े नहीं है, आपको पता ये भाई। नकली डायमंड स्मेल करके देखता हूँ, असली लग रहे हैं मुझे, गौर से देखता हूँ इस डायमंड के ब्लॉक को। ओके पूरी असली लग रहा है भाई, यहाँ पे देख रहा है की असली है की नकली,
असली है कि नकली है वो? भाई मुझे असली लग रहा है भाई, एकदम 100% शुद्ध डायमंड है ये। अगर मैं इसको क्राफ्टिंग टेबल के अंदर डालूं तो मुझे डायमंड मिलेगा क्या? यो मुझे डायमंड मिला, यो क्या बात है, यो मुझे डायमंड मिला, नाइस है ना भाई। कहां से लेकर आए थे सारे डायमंड? मैंने बहुत हार्ड काम किया, बहुत ज्यादा हार्ड, इतना हार्ड भाई। भाई आपके पास इतने डायमंड्स नहीं आ सकते मुझे पता है। मेरे पास बहुत अच्छा, तब मैं तेरे को बताता हूं, कोई पावर मारी है मुझे पता है। चीफ को मत बताइयो, मेरे पास एक सीक्रेट कुआ आ चुका है। वो कौन सा? तेरे को पता है उस कुएं के अंदर तू जो भी डालेगा वो डायमंड बन जाएगा। ओ मैं मानता ही नहीं भाई, मुझे भी दिखाओ, जल्दी कर, इसने सब कुछ सुन लिया। लॉगी इसको चुप चुप काम, इसको एक दे देते हैं, इसको एक दे दे, ये लो तेरा। कुछ मत करियो ठीक है ना, मेरे पास मत था भाई, मेरे पास ये भी कुएं के पास जाने की कोशिश कर रहा है, ये क्या लफड़ा है भाई। हमें किसी कुएं, हम पानी वाले कुएं की बात कर रहे हैं। हाँ जा, फार्मिंग के लिए काम आएगा। जैसे इसको भी दे देते हैं, जैसे फार्मिंग का नाम लिया सारा भाग गया, इसको किसी को काम करना ही नहीं है यहाँ पर भाई। तू इसके अंदर कुछ भी डाल, तेरे को डायमंड देगा। तो अगर मैं डर्ट वाली ब्लॉक तोड़ू डाल दे एंड पटाक, डायमंड क्या बात है, फ्री वाला डायमंड मेरे को मिल रहा है। देख उठा 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 उठा, मैंने उठा दिया, मैंने उठा दिया। नाइस है ना, अगर मैं ये वाला ब्लॉक यहाँ पर तोड़ू तो पता नहीं क्या होगा। और ये एक्सपैंड भी होता है, यो खतरनाक वाला। अरे अरे लिटरली ब्लॉक के साथ। ओके तो लोगे एक काम कर, ये पावर आपको किसने दी मुझे बताओ ना। अबे यहाँ पे पड़ी हुई थी, मेरे को पता भी नहीं था। ओके नेदरराइट वाला बनाते हैं ना, नेदरराइट मेरे को नहीं बात बनानी। ओके लोगे काम कर, यहाँ से पानी उठा, मैं यहाँ पर गड्ढा खोद रहा हूँ, मुझे ये चेक आउट करना। हाँ मुझे ये चेक आउट करना कि क्या हम ये पानी मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ पर डाल दे, बकेट मैं पीछे खड़ा हूँ, कहीं मैं गिर गया तो गाइस मैं भी डायमंड का बन जाऊंगा। यहाँ पर डालूं तो डाल दो उसके अंदर, मैंने डाल दिया। ओ रे यो ये चल रहा है, लिटरली हम ये पानी मूव भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर देखना, क्योंकि गाँव का बंदा मेरे को देख नहीं रहा, क्योंकि अगर किसी ने चीफ, ओए हेलो गोलम, तूने कुछ नहीं देखा भाई, गोलम मेरा बंदा है, टेंशन मत लो। ओके लॉगे मैं घर के ऊपर चढ़ के देख रहा हूँ कि माजरा क्या, ठीक है ना। ऊपर आ जा, तू ऊपर मत था, तू नीचे जाके देख। और जैसे मैंने सिग्नल दिया ना, जो ब्रो जैसे मैंने सिग्नल दिया ना, ये यहाँ पर मार दिया पानी की बकेट, ठीक है ना। सही है सही है सही है। और लॉगे घर के अंदर मारनी है, हाँ सही है सही है। यहाँ पर भी कोई नहीं है, वहाँ पर कुछ बंदे, ये तो पहले कंफ्यूज लग रहा है, ये सोच रहा है कि मैं यहाँ पर कर क्या आ रहा हूँ, कोई बाइंग करना है मेरी शॉप के ऊपर नहीं आता, कोई कुछ नहीं करता। लॉगे मार दे, कोई नहीं है यहाँ पर, मार देना। अभी छेद बना के उसके अंदर मारियो, ठीक है ना। मैं मार दिया ये, ओ बे वो गोलम बेचारा डायमंड बन गया। और ओ माय गॉड शिट, ओ भाई ओरे, ओ भाई ये क्या कर रहा है, पूरा डायमंड का अटैक यहाँ पर हो चुका है। तोते उड़ के मेरे पास आ चुके हैं, ओ डायमंड गॉड, तो डायमंड पूरी सुनामी यहाँ पर आ चुकी है। तूने यार को मैंने बोला था कि भाई घंटे के अंदर डाल ले, इसने नहीं भाई, मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं था यार। और गाइस लीजिए, हमारी पूरी सिटी जो है लिटरली डायमंड के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अगर लॉगी लॉगी तो अगर पानी का लॉगी, तेरे को पानी के अंदर जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैंने जाना ही नहीं है। तेरे को पानी के अंदर जाना है, और तूने जहां पर डायमंड मारा ना वहां पर तेरे को ब्लॉक नॉर्मल रखना होगा। और मेरी इन्वेंटरी भी चेंज हो चुकी है पूरी। व्हाट, ओ मेरे तो आर्मर भी गायब हो गया। मुझे घटिया वाले ब्लॉक जो है बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो कुछ फेंक भी नहीं पा रहा। व्हाट द हेल, पूरी इन्वेंटरी मेरी ग्लिच हो चुकी है। वो लॉगे तो गाइस हमने उस वाले ब्लॉक के ऊपर, ये बेवकूफ लॉगे ने उस वाले ब्लॉक के ऊपर वो पानी वाली सुनामी मारी थी, डायमंड वाली सुनामी। और अभी हमें वापस उसी ब्लॉक के ऊपर जाके एक ब्लॉक रखना होगा ताकि पूरा रीसेट हो। कमल लॉगे तेरे को वहां पर जाके ब्लॉक रखना होगा क्विक। मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। ओ बच गया बच गया, आगे जाना है तेरे को, आगे जाना है। और लॉगे में एकदम से डायमंड ब्लॉक बन चुका है, और उसी जगह पर एकदम से ब्लॉक आ चुका है। तो सबसे पहले ब्रो कहां पर है तू? येरा मेरी भैंस, चल तेरी वजह से सारा सामान हो रहा है। वापस आ, तेरे को बताता हूं मैं, वापस आ, एक और ले भाई, तेरे को पड़ी भी नहीं। ओके तेरे पास पिकैक्स, तो हमें इस वाले ब्लॉक के ऊपर गाइस एक नॉर्मल वाला ब्लॉक रखना होगा, तब भी जाके मेरे को लगता है सारा फंडा जो है यहाँ पर रिस्टोर होगा। तो इसको भी करो, इसको भी करो। अब लॉग, ओरे ओ कुछ भी नहीं कुछ हुआ, भी नहीं यार। ओके तो गाइस मैं ऑब्वियसली मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत टाइम लगेगा सारा रिस्टोर होने में, लेकिन हो जाएगा। लॉग ने पूरा हमें यहाँ पे फंसा कर रखा है। लॉग रुक, मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल है, क्यों ना हम यहाँ से बोट बना के यहाँ पे जाए। तो गाइस मैंने यहाँ पर बोट बना कर रखी है, ये बोट को रखो यहाँ पर। और मैं अगर अगर मैं जाऊँ तो मर तो नहीं जाऊंगा क्या? मैं ट्राई करो ना। और अगर पानी के अंदर बोट डायमंड बन गई भाई, जहाज बना कर रखे थे चीफ के लिए। अरे हाँ। हम क्यों ना वो जहाज लेके कहीं और चले जाए जब तक ये सुनामी जाती नहीं है। एक सेकंड जहाज तो है ना, मैं निकालता हूँ ना, एक मिनट मैं निकालता हूँ जहाज को। और ऑब्वियसली गाइस जहाज को उड़ाने के लिए मेरे को यहाँ पर रनवे बनाना पड़ेगा। क्या हो रहा है, क्या ऊपर बैठ कर, ऊपर बैठ कर, ऊपर बैठ कर।
देखकर फोर लेयर आ गई। ओ भाई दूसरी लेयर आ चुकी है सुनामी की, और ये लेयर और डायमंड यहाँ पर क्रिएट करेगी। भाई तू मैं नहीं था भाई, ये मैं भाई ऊपर भाई ऊपर बिल्ड कर यहाँ पे आज हम गए। दूसरी लेयर आ चुकी है सुनामी की, और ये लेयर सुनामी की जो चीजें डायमंड ब्लॉक में कन्वर्टेड नहीं थी वो चीजें भी एकदम से डायमंड ब्लॉक में कन्वर्ट हो चुकी है। और कर ले लालच, मेरे पास ऑब्वियसली गाइस डायमंड वाले ब्लॉक्स हैं, तो इन डायमंड वाले ब्लॉक्स का हम यहाँ पर रन वे बना सकते हैं। ओके नाइस, बढ़िया, लेट्स गो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लोग यहाँ पे छाछ डाल दे और नीचे क्या बात है, एकदम बढ़िया। और नाइस, पेट्रोल भी डालना है इसके अंदर, पेट्रोल भी डालना है जहाज के अंदर, पेट्रोल भी डालना होता है। लोग सब रेडी है ना? हाँ रेडी। अरे अरे दूसरी लेयर यहाँ से निकलो, मेरा जहाज भी गया, निकलो। होली बोली, हो हो ओ भाई, मैं अंडमोके पर बचा, लोगे भाग वहां से। ओ माय गॉड गाइस, यहां पे पूरी एक महान सुनामी आ चुकी है बिल्कुल टावर के ऊपर से, और ये सुनामी जो बच्चे को जी सिटी है वो भी साथ में लेके जाएगी। लोगे भाग, मैं तो भाग के जा रहा हूं यहां, मैं भाग के जा रहा हूं। लोगे गया, लोगे बिल्कुल एज के ऊपर खड़ा, मैं इसको हल्के-हल्के देख रहा हूं, बिल्कुल एज के ऊपर खड़ा लोगे। ओ भाई भागो, मैं तो ऐसा निकल रहा हूं भाई, यार मैं तो मर गया यार यहां पर। तेरे को मैंने बोला था कि फालतू के लालच नहीं करते, लेकिन लोगे की एक गलती की वजह से गाइस हमारी पूरी सिटी जो है एकदम से वेस्ट हो चुकी है। मैं यहां जा रहा हूं, जब तक गाइस सुनामी की जो लहर है वो ठंडी नहीं होती, मैं वापस यहां पर नहीं आऊंगा। तो चलिए गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।